ये देखिए दाल मखनी बनके रेडी हो गई है और इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है दाल मखनी की, और इसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे लेकिन घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप मुझे देख रहे हैं स्वाति किचन में, जिसकी टैगलाइन है कुक फूड विद लव। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि आने वाली मेरी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की। यहाँ पे मैंने एक छोटा कप काली उड़द की साबुत दाल ली है, हमने एक छोटा कप ली है, और जिसको मैंने ओवरनाइट सोख होने के लिए रख दिया था दाल को, यानी कि मैंने 7 से 8 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो के रख दिया था। और जो दाल है वो अच्छे से फूल गई है, और फिर मैंने इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है दाल को। और अब हम इसको बॉईल करते हैं दाल को। और अब मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, और अब मैं ये दाल को इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 बड़े कप, और यहाँ पे मैं अब इसमें खड़े मसाले डालूंगी ताकि दाल में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लिया है, ये डाल देंगे, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बड़ी लाल इलायची जिसको मैंने हल्का सा कूट दिया है, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। और ऑयल डालने से ये है, जब हम दाल को बॉईल करेंगे तो सीटी में से जो पानी निकलता है तो वो नहीं निकलेगा और कुकर आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं, और अब मैंने इसके ऊपर लिड लगा दी है, और अब मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है, और लगभग मैं इसमें 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से कुक करेंगे। और अभी मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है, और 2 सीटी आने के बाद मैं गैस को हाई फ्लेम पर कर दूँगी। ये देखिए 5वीं सीटी आ चुकी है, और यहाँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसको चेक करते हैं। और अब हम इसको खोल के देखते हैं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमने इसमें जो खड़े मसाले डाले थे। और ये देखिए जो दाल है वो अच्छे से मैश हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। तो इसी तरह हमें दाल को बॉयल करना है, और अगर आपकी जो दाल है वो मैश नहीं हुई है तो आप इसी में ही इसको मैश कर दीजिए। और अब हम इसको साइड में रख देते हैं। और अब मैंने कढ़ाई ले ली है, और जिसमें मैं 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दूंगी। आप चाहे तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, और अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा, और इसको अच्छे से चटकने देंगे, और साथ ही में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून हींग। दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून गार्लिक, ये मैंने चॉप कर लिया है, और साथ ही में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून जिंजर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, और दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। और अगर आप ग्रीन चिली खाते हैं तो आप यहाँ पे चॉप करके वो भी डाल सकते हैं ग्रीन चिली को। और ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, तो इसको भी मिला लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने ली है टमाटर प्यूरी, और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, और जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में डाल के। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। और इसको मैं एक लिड से कवर कर देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, टमाटर जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। और अब मैं 2 मिनट बाद लिड को हटाती हूँ, और ये देखिए जो मसाले थे वो अच्छे से कुक हो गए हैं, और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है मसालों से। तो अब हम इसमें दाल डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। और इसको चला लेंगे इसमें। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, और गैस को मैंने फुल फ्लेम पे कर दिया है। और मैंने जो दाल को बॉईल किया था उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो अब हम इसमें पानी को ऐड करेंगे।
तो यहाँ मैं पानी डाल देती हूँ, लगभग 2 बड़े कप मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। और अगर आपने जो दाल को बॉईल किया है उसमें दाल के अंदर जो पानी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं और ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको एक लिड से कवर कर देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। और गैस को मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे कर दिया है और अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। और मैं ये लिड को हटाती हूँ। वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए दाल जो है कितनी गाढ़ी बनी है। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको एक बार मिला देते हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून बटर, अच्छे से इसको मिला देते हैं। आप बटर ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, इसको भी एक बार मिला देते हैं। और ये देखिए अब जो दाल जो बन के रेडी हुई है वो कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू भी आने लगी है दाल में से। और ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है। और दाल को मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे मैंने एक तड़का फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 क्यूब बटर के डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हींग। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच में से काट लिया है, 6 से 7 अदरक के लच्छे, तो इसको सबको मिला लेंगे। और यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिला देते हैं। जो तड़का बनाया था तो वो डाल देते हैं और इसको भी एक बार मिला देते हैं। और यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये दाल बन के रेडी हुई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की। और इसी तरह ये दाल मखनी दाल बनती है गाढ़ी और क्रीमी क्रीमी, ये दाल बन के रेडी हुई है। और आइए अब हम यहाँ पे एक सर्विंग बाउल में इसको निकालते हैं। और ये देखिए दाल मखनी बनके रेडी हो चुकी है और ये कितनी गाढ़ी बनी है और कितनी क्रीमी क्रीमी ये दाल बनके रेडी हुई है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे क्रीम गार्निश के लिए और ऊपर से डालेंगे अदरक के लच्छे और गार्निश के लिए हरा धनिया और ऊपर से डाल देंगे ये बटर। और ये देखिए दाल मखनी बनके रेडी हो चुकी है और इसको हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।